सबसे पहले वामाक्षी से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर दिख रहा है। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं। वेल गुड आफ्टरनून मानसी, निफ्टी मिड कैप में करीब 1% की तेज़ी हमें नज़र आ रही है और इसमें जो टॉप गेनर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शामिल है MMTC इंडिया। कल की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये कंपनी का हाईएस्ट सिंगल डे गेन है 24 जून से लेकर अब तक का। असाही इंडिया भी ये लिस्ट में शामिल है। कल स्टॉक लाल निशान में था और आज स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल है। NLC इंडिया पर भी फोकस करिएगा, 2 दिन की अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है ये स्टॉक में। इनफैक्ट ये हाईएस्ट सिंगल डे जंप है 17 मई 2022 से। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 23 मई 2022 से सबसे हाईएस्ट सिंगल डे रिपोर्ट करता है और टॉप गेनर्स में शामिल है। बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की, तो एप्टस ये लिस्ट में शामिल है। यहाँ लगातार दूसरे दिन गिरावट नज़र आई है। RBL बैंक में 2 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में नज़र आ रहा है। ऑयल इंडिया, यहाँ पे लगातार 4 दिन स्टॉक में लगातार गिरावट नज़र आई है। दिलीप बिटकॉइन पर भी फोकस करिएगा, कंपनी ने एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर के तौर पर अनाउंस हुआ था। हालांकि टॉप गेनर्स में शामिल था कल, मगर आज स्टॉक में मुनाफा वसूली देख मिल रही है। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की, तो शुगर स्टॉक्स पर फोकस करिएगा। गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर 12-15% तक एक्साइज कंसेशन दिया है। इसी के चलते इथेनॉल की तरफ और डाइवर्जन होने की उम्मीद है और आप देख ही सकते हैं कि शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मजबूत तेज़ी नज़र आ रही है। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर भी फोकस करिएगा, LG इक्विपमेंट्स पर खास करके। यहाँ पर एक स्टॉक वॉल्यूम बजर है, कंपनी ने हाईएस्ट सिंगल डे गेन रिपोर्ट किया है 16 मई से लेकर अब तक का। शॉफर इंडिया भी ये लिस्ट में शामिल है और दूसरे दो स्टॉक्स जो शामिल है फिनोलेक्स केबल और पॉलीकैप, ये कॉपर वायर्स बनाते हैं और कॉपर प्राइसेस एक्चुअली 17 मंथ लो पर के आसपास है और इसी के चलते स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल है, तो ये कुछ मिड कैप स्पेस से बजिंग स्टॉक्स अभी वामाक्षी आपको बता रही थी। स्पेस पर वापस फोकस करते हैं, हमारे एक्सपर्ट मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। भारतीय बाजार में यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे हम 3 घंटे का ट्रेड जानना चाहेंगे। मानस बताएं, अच्छी मजबूती के बीच बाजार में ट्रेड है, अगले 3 घंटे कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए, निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन के बाद में 20-day मूविंग एवरेज को ब्रीच किया और एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 15,900 से लेकर 15,950 की रेंज में, उसको ब्रीच किया है। और देखिए, ये इवेंट तो कल बैंक निफ्टी में भी हमने ऑलरेडी देख लिया था। बैंक निफ्टी ने भी एक प्राइस ब्रेकआउट दिया था, अपने 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद कम से कम वो जो लास्ट मंथ में 13 जून को एक गैप था, उसको निफ्टी फिल करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में 16,175 तक के स्तर देखने को मिलेंगे और वही 16,175 निफ्टी के 50-day मूविंग एवरेज भी है। तो चांसेस ज्यादा है कि करंट लेवल से भी आप करीब 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देख सकते हैं। बट अब इस तेजी को मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में जाकर ट्रेड करना चाहिए। आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लें। मेरे हिसाब से जो 20 जुलाई का 16,000 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर ध्यान दीजिए, 300 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां खरीदारी करिए 249 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ करीब 400 रुपए तक के भाव आपको निफ्टी के 28 जुलाई के 16,000 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको यहाँ पर निफ्टी में दे दी गई है, कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। यहाँ से करीब 200 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉल ऑप्शन में रणनीति सुझाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज जैसा कि मामाक्षी में थोड़ी देर पहले कुछ मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बता रही थी, कुछ स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसमें MMTC इंडिया में देखिए, आज यहाँ पर भी एक काफी अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। मानस, MMTC इंडिया पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, MMTC पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक फाइनली अपने 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और जब हमने ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 42 रुपए के या 41 रुपए के ऊपर देखा तो वहां पर काफी सिग्निफिकेंट हायर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना यह है कि आप शायद स्टॉक अपने 200-day मूविंग एवरेज जो कि 44 रुपीज के आसपास है, उसको भी ब्रेक करके 47 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 38.90
के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 47 रुपए तक के टारगेट सेट करें। एमएमटीसी अच्छी मजबूती, 7% के अपमूव्स, 42 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप में ट्रेंडिंग स्टॉक्स तो आपने जाने, लेकिन मिड कैप में खबर